नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइज, पुरानी गाड़ी लेने के लिए आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बताएंगे ये गाड़ी खरीदो वो खरीदो, और हाल ही में हम भी आपको बताते हैं गाड़ी की कौन सी आप परचेस करें। लेकिन गाइज, जब भी आप कोई गाड़ी परचेस करते हैं तो आपके मन में एक सवाल बार बार ज़रूर आता होगा कि ये गाड़ी डीलर के पास खड़ी हुई है और डीलर ने तो इस गाड़ी का मीटर बैक करा रखा होगा, या फिर जो कोई अनजान बंदा है आप उससे गाड़ी परचेस कर रहे हैं, यार इसकी गाड़ी कहीं एक्सीडेंटल ना हो, या फिर इसकी गाड़ी में कितना काम हुआ, इंजन काम मांग रहा है नहीं मांग रहा, टायर घिसे हुए हैं नहीं घिसे हुए, यार मैं इस गाड़ी को परचेस करूँ ना करूँ, बहुत सारे सवाल आपके दिल दिमाग में भर जाते हैं। सो गाइस, उन्हीं सवालों को आज मैं क्लियर करने के लिए एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी वीडियो लेकर के आया हूँ, जो कि आपके लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकती है। तो चलिए गाइस, बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं आज की वीडियो के बारे में और आज के टॉपिक के बारे में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊँगा कि आप कोई भी अगर सेकेंड हैंड गाड़ी परचेस कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज, अगर आप कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी परचेस करते हैं या फिर परचेस करने जाते हैं और आपके साथ में कुछ लोग भी जाते होंगे एक दो बंदा, और वो गाड़ी पे हल्की सी कहीं स्क्रैच देख ले या फिर ये वाली लाइट चेंज देख ले या ये लाइट टूटी हुई देख ले, तो वो बंदा बोलेगा यार ये तो गाड़ी एक्सीडेंट है, इसको मत ले, एक्सीडेंटल गाड़ी है छोड़ मत ले। लेकिन मैं आपको आज एक चीज़ बता दूँ, अगर आप कोई भी गाड़ी परचेस कर रहे हैं और उसकी हेडलाइट अगर चेंज है टूटी हुई है तो यार वो एक्सीडेंट नहीं माना जाता, एक्सीडेंटल नहीं माना जाता। या फिर अगर बम्पर की बात करा जाए, बम्पर अगर टूटा हुआ है या चेंज है तो तब भी यार वो एक्सीडेंट नहीं माना जाता। आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देना। और उसके बाद में अगर बात करी जाए साइड प्रोफाइल में कहीं पे टचिंग वगैरह है, स्क्रैच है, तो यार उस चीज़ को आप एक्सीडेंट की उसमें मत लिया करें श्रेणी में कि गाड़ी एक्सीडेंट है हम इसे परचेस नहीं करेंगे। देखो, एक्सीडेंट को पता लगाने के लिए या फिर गाड़ी आपके लिए सही है या सही नहीं है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। तो मैं उन्हीं चीज़ों को आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं और कौन कौन से पॉइंट आपको इग्नोर करने हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया, अगर ये चेंज है, हेडलाइट इसकी टूटी हुई है या चेंज करा रखी है, बाद में मॉडल नंबर 2010 है, 11 है, 12 है, 20 भी है या 21 भी है और ये चेंज है, तो भाई ये एक्सीडेंट नहीं माना जाता। एक्सीडेंट का पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको देखिए हमें कर लेना है बोनट को ओपन, और अंदर से हम बात करेंगे इंजन की कंडीशन के बारे में, और तब हम बात करेंगे कि गाड़ी कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। अरे भाई साहब, सो देखिए हमने कर लिया है ओपन, और ओपन करने के बाद में आपको सिर्फ दो चीज़ चेक करनी है। देखिए ये आपको पट्टी दिख रही है ना, ये पट्टी, पहले इस पट्टी को पूरा ध्यान से देखना है, अगर ये पट्टी कहीं से मुड़ी है तुड़ी है या फिर इस पे आपको वेल्ड दिख रहा है तो भाई ये आप समझ सकते हैं, बिल्कुल खुले खुले शब्दों में समझ सकते हैं कि ये गाड़ी एक्सीडेंट थी और वेल्ड करा करके सामने से तकड़ा एक्सीडेंट हुआ है और जुड़वा रखा है। लेकिन गाइज, अगर हम इस गाड़ी की बात करें तो देख सकते हैं कहीं भी आपको नहीं मुड़ा तोड़ा नहीं मिलेगा, ना ही वेल्ड मिलेगा। इसका मतलब तो स्पष्ट है कि भाई ये गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, ना ही एक्सीडेंट हुआ है इस गाड़ी का अभी तक। और उसके बाद में गाइज आपको दो चीज़ और देखनी है, ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ कोटिंग आपको मिल जाती है, इसमें इंजन काफ़ी बड़ा है और दिख नहीं पा रहा, देखिए यहाँ आपको कोटिंग अगर मिलती है तो लोग सोचते हैं कोटिंग है यार एक्सीडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, जंग को रोकने के लिए होती है, अगर जंग आ रहा है तो उसको रोकने के लिए यहाँ करवा देते हैं। बहुत सी कंपनियाँ तो फिटेड भी दे रही हैं, लगा हुआ दे रही हैं, जैसा कि आप वहाँ देख सकते हैं, तो इस चीज़ पर ध्यान दे रहा है, जंग लगा हुआ है, कोटिंग करा रखी है, तो कोई चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद में गाइस एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, देखिए ये जो इसके साइड के पिलर होते हैं अंदर से जिनके नीचे टायर लगा हुआ होता है, इसको देख लेना है कहीं पे वेल्ड तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है, पेंट इसका ओरिजिनल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर गाइस इस पे पेंट ओरिजिनल है या नहीं है उसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि पेंट तो उड़ ही जाता है, काफ़ी गर्मी होती है यहाँ पे। और सबसे ज़रूरी बात गाइस, आपको कोई भी गाड़ी लेते समय सबसे पहले आपको उस गाड़ी को चला करके देखना है, कुछ देर चलाने के बाद में आपको गाड़ी को रोकना है। गाड़ी को रोकने के बाद में ये देखिए यहाँ पे इसका फ्यूल वो जो होता है तेल, और इसको आपको ओपन कर लेना और देख लेना है कि इसे ओपन करने के बाद आपको एक चीज़ देखनी है, इसमें से कोई धुआं वगैरह तो नहीं निकल रहा, ब्लैक कलर का या वाइट कलर का कोई भी धुआं तो नहीं निकल रहा। अगर धुआं निकल रहा है तो आप बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से समझ जाइएगा
कि भाई इसका इंजन काम मांग रहा है और इस गाड़ी को आपको परचेस नहीं करना है, क्योंकि अगर इसमें से धुआं निकलता है तो इंजन काम मांग रहा है, सर्विस मांग रहा है, ठीक है। और इंजन से रिलेटिव एक चीज़ और बता दूँ, आपको गाड़ी का नंबर नोट कर लेना है, गाड़ी का नंबर नोट करके आपके नज़दीकी फोर्ड के शोरूम में जाना और उससे हिंदी में बड़े प्यार से आपको बात कर लेनी है कि भाई साहब ये नंबर है और मैं एक पुरानी गाड़ी परचेस कर रहा हूँ, ये वाली आपकी कंपनी की है, आप मुझे इसका रिकॉर्ड दे देंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। आप अगर ह्यूमनिटी से आराम से प्यार से बात करेंगे तो यार वो आपको दे भी देगा इसका रिकॉर्ड, उससे आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, मीटर बैक है, मीटर टाइमर बैक है या नहीं है, और इन्होंने कितनी इसमें बेईमानी करी है जिस बंदे से आप गाड़ी ले रहे हैं। तो गाइज़ इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर में रखना है आपको, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल चुका है कि गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है। उसके बाद में देखिए बोनट जो है इसका, बोनट पे आपको देखना ओरिजिनल पेंट है या नहीं है, और दूसरी बात इस पे वेल्ड अंदर से हुआ है या नहीं है। देखिए इस गाड़ी पे अंदर से आप खुद साफ साफ देख सकते हैं, अभी कोई ना ही वेल्ड है ना ही ये गाड़ी अंदर से आपको पेंट मिलती है, इसका मतलब साफ साफ है कि भाई ये गाड़ी ना ही पेंट है और ना ही आगे से एक्सीडेंट हुआ है इस गाड़ी का कोई भी। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं, बाकी बात करते हैं, रुकिए। जस्ट उसके बाद में गाइज आपको देख लेनी है गाड़ी ऊपर से कि ये पलटी हुई है नहीं है, पलटी हुई है इसकी छत देख लेनी है, छत आपको मुड़ी हुई अलग ही दिख जाएगी कि गाड़ी पलटी है नहीं पलटी, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं गाड़ी पलटी भी नहीं है, छत इसकी बिल्कुल जेन्युइन है जो थी वही वाली। उसके बाद में आपको ए पिलर देख लेना है, ए पिलर आपको मुड़ा हुआ दिख जाए या कोई भी हल्का सा डेंट दिख जाए तो भाई उस गाड़ी को समझ लेना ये लगी हुई है, एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं है। और लगी हुई गाड़ी को आप परचेस कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप लगी हुई गाड़ी है तो परचेस नहीं करते। और सबसे बड़ी बात गाइज, अगर मिरर वगैरह इसका टूटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई आप खुद ही समझ सकते हैं गाइज कि जो गाड़ियाँ होती हैं यहाँ, तो शहरी क्षेत्र हो, रूरल हो या अर्बन क्षेत्र हो, उसमें समझ सकते हैं इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। मैं रोड के किनारे खड़ा हूँ, अभी देखिए दोपहर ही हो रखी है, दोपहर के लगभग 4:30 का टाइम हो रहा है, इस टाइम भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि अगर आप गाड़ी लेके निकलेंगे तो अगर कोई बंदा सीखता है स्टार्टिंग में चला ही रहा है गाड़ी तो उससे भी लग जाएगी, और बम्पर वगैरह कहीं ठुक जाएगा तो वो टूटा हुआ नहीं होता आगे पीछे से, नहीं वो एक्सीडेंट में माना जाता। उसके बाद में आपको बैक से चेक कर लेना है, बैक से अगर आपको लगता है कि भाई ये टूटा हुआ है चेंज है और हम इस गाड़ी को परचेस नहीं करेंगे तो भाई साफ साफ बोल रहा हूँ दोबारा, आप इस चीज़ को इग्नोर करना। बैक लाइट जो होती है टेल लाइट वो टूटी हुई है उसको भी इग्नोर करना। और सबसे बड़ी बात गाइज आपको देखना है कि जो इसके मिरर हैं उस पर कोडिंग देख लेनी है शीशों पे, जो कोडिंग अगर सेम है तो आपको पता चल जाएगा कितने शीशे इसके चेंज हैं, कितने कंपनी के साथ के हैं। देखिए इस पर जैसा आपको साफ साफ दिख रहा है BF लिखा हुआ है, तो BF की कोडिंग इसके हर मिरर पर आपको मिलनी चाहिए, तब जाके ओरिजिनल आपको मिल जाएगा। देखिए इस पर भी BF की कोडिंग है, उसके बाद इस पर भी कोडिंग है, ठीक है। पीछे वाला एक बार चेक कर लेते हैं हम, देखिए पीछे वाले पे भी आपको मिल जाती है BF की कोडिंग, ब्लैक में नहीं दिख पा रहा, देख लीजिए दिख रहा है ना, इस पर भी ओरिजिनल कोडिंग है, और इस पर भी देखिए ओरिजिनल है, और ये देखिए ये भी ओरिजिनल ही है देख सकते हैं, और ये भी ओरिजिनल है। इसका मतलब भाई इसके मिरर तो कोई भी अभी तक टूटा नहीं है ना ही बदलवाया है। तो गाड़ी देखे, वैसे तो ये गाड़ी सीनियर सिटीजन की है लेकिन आप इस तरह से किसी भी गाड़ी का आसानी से पता चला सकते हैं, ठीक है। तो गाइज इतना तो मैंने बता दिया, बाहर से चेक करके कुछ चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट जो अंदर जाके हमें चेक करनी है। उसके बाद में गाइज आपको एक बार टायर देखना है, देखिए टायर होते हैं, टायर के बीच में आपको जगह दिख रही है, इसे गुंडी बोलते हैं भाई हमारी भाषा में, थोड़ा मैं रटकाऊंगा इस तो मुझे इतना ज़्यादा बोलने का लहजा नहीं है। बाकी आपको देखना है ये जो इसके बीच में स्पेस है, अगर टायर बिल्कुल इससे मिले हुए हैं या थोड़े बहुत बचे हुए हैं तो भाई समझ लो टायर जो है गंभीर हालत में, इनका दम निकल चुका है, आपको ये परचेस नहीं करनी है क्योंकि टायर आपको बदलवाने पड़ेंगे, ठीक है। और भाई देखो गाड़ी में बाहर से मैंने आपको बता दिया, बाकी अंदर चल के जो डिटेल होगी मैं आपको अंदर से बता दूंगा। लेकिन गाइज उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो यार हमें भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छे कंटेंट बनाने का, अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। सो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक किया करें और सपोर्ट किया करें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम। तो चलिए अंदर चलते हैं और मैं अंदर जाकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ कि क्या इग्नोर करना है और क्या आपको पकड़ना है पॉइंट, ठीक है।
देखिए हम अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के बाद में देखिए आपको सबसे पहले देख लेना है कि ये आपको मिल जाते हैं एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक। इनको देखना है कि कितने घिसे हुए हैं। आपको घिसे हुए ज़्यादा नहीं दिख रहे होंगे, देखिए बिल्कुल जेन्युइन है, अभी ज़्यादा नहीं घिसे हुए। और मैं बता दूँ ये गाड़ी लगभग 50 से 70 हज़ार के बीच में चली हुई है, और जितनी भी है जेन्युइन चली हुई है। इसका मतलब आप देख लीजिए 50 से 70 हज़ार में इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता, ना ही एक्सीलेटर का, ना ही क्लच का और ना ही ब्रेक का, ठीक है। तो आप देख लीजिए 70 हज़ार में गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि ये सर्विस रिकॉर्ड गाड़ी चली है, ठीक है। और अगर सबसे बड़ी बात आपको ये देख लेना है, जो इसका गियर होता है, गियर का जो लीवर होता है इसको आपको देखना है, इसके नंबर तो नहीं मिट रहे। साइड से देखिए भाई कितना ज़्यादा चला हुआ है, कितना ज़्यादा घिसा हुआ है, आपको इससे खूब अंदाज़ा हो जाता है कि भाई गाड़ी कितने हाथ में गई थी और कितनी बुरी तरह गाड़ी की रेल बनी है। तो ये तो सिंगल ओनर गाड़ी है, आपको इसमें देख के पता चल रहा होगा कि गाड़ी कैसी चली हुई है, कैसी नहीं चली हुई। बाकी मिरर का आपको पता चल ही चुका है। और गाड़ी में एक सबसे ज़रूरी बात होती है कि गाड़ी को आपको चला के देखना है कि इसके सोकर वगैरह सही से दब रहे हैं नहीं दब रहे। अगर ढक 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 ऐसे आवाज़ आती है हल्के से गड्ढों में, और सोकर बोल रहे हैं इस तरह की आवाज़ अगर आ रही है गड्ढे में, तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल साफ साफ कि इसके सोकर ख़त्म हो चुके हैं। जो इसके सोकर हैं ख़त्म हो गए हैं, और सोकर काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। तो गाइज़ आपको इग्नोर करना है, और अगर आप इग्नोर भी नहीं कर रहे तो गाड़ी का जो प्राइस है, पुरानी गाड़ी परचेस कर रहे हैं आप, तो उसमें उससे भाई बार्गेनिंग कर सकते हैं कि भाई देखो इसके सोकर ख़त्म हो रखे हैं और भाई मैं इसमें थोड़ा पैसा घटा लीजिए। उसी तरह से अगर आपको लग रहा है कि टायर इसके ख़त्म हो रहे हैं, टायर की मैंने पहचान बता दी, तो आप टायर को भी कह सकते हैं कि भाई टायर देखो ख़त्म है तो थोड़ा पैसा आप घटा लो, मुझे जब भी न्यू डलाने हैं, क्योंकि अगर न्यू होते तो मैं आपको पैसे भी देता, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से देख सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ आपको नोट करनी है, सीट कवर अगर मान लो फटे हुए हैं या फिर उधड़ रखे हैं, सिलाई ख़त्म हो रखी है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी पुरानी गाड़ी लेते समय आपको जो ओनर है उससे बात करिए कि भाई ये देखिए गाड़ी के सीट कवर ख़त्म है, ये 2-2.5 हज़ार रुपये के आएंगे, आप इसमें से 1-2 हज़ार रुपये कम कर लीजिए, क्योंकि सीट कवर भी मुझे नए लगवाने हैं, ठीक है। इस तरह से बार्गेनिंग करना आप, और इस तरह से अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो यकीन मानिए आपको गाड़ी बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में पड़ जाएगी, और आप एक आसानी से सरल से एक गाड़ी के अच्छे से प्राइस में दे करके आप एक गाड़ी को परचेस कर सकते हैं, जो कि बिना किसी प्रॉब्लम के है, ठीक है। और आप जितने मुंह उतनी बात ना सुनेगा इस, क्योंकि अगर आप किसी को अपने साथ ले जाते हैं वो बताएगा देखिए ये है वो है फलाना ढिमकाना, ऐसा देखिए इस चीज़ों को मैंने जो बताया, इन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखते हुए गाड़ी देखनी है, रनिंग देखनी है, और रनिंग देख करके आपको ओनर देखने हैं। गाड़ी पेंट है इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि भाई शहरी क्षेत्र है यार, आप समझ सकते हैं गाड़ी लग जाती है पार्किंग करने में, चलाते हुए लग जाती है, तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है इस चीज़ का। बाकी गाइज देखिए कंडीशन गाड़ी की आप देख ही लीजिए, कंडीशन आपको पता चल जाती है। सो गाइज उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और एक सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, आप जब भी गाड़ी को अपने नाम कराएं तो भाई पहले गाड़ी का रिकॉर्ड ले लें, ठीक है। और अपने नाम कराते समय आरटीओ ऑफिस पे जा कर के पूरी जानकारी लें, गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं है, क्योंकि बहुत सी बार हमसे भी चूक हो जाती है, हम इतने एक्सपर्ट नहीं है और ना ही आप इतने एक्सपर्ट हैं। तो भाई ऑफिस पे जाके तो आपको ज़रूरी पता चलाना है, ठीक है। और जिस भी कंपनी की गाड़ी है उसमें आपको केयर में जा करके नंबर नोट करके ले जाना है, और आपको बताना है कि भाई ये गाड़ी मैं परचेज़ कर रहा हूँ, आप मुझे अगर बता देंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। इस तरह से भी आप पूछ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अच्छी ना लगी हो डिसलाइक करना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं बहुत जल्दी इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।